दिल्ली वर्सेज उत्तर प्रदेश का यह मैच चलेगा, काफ़ी शानदार मुकाबला होने वाला है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया खिलाड़ी है, उभरते हुए खिलाड़ी है। अभी 33 सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप दूसरा दिन है और हमारे भी दर्शक उपस्थित हैं इस मैच में। मैच स्टार्ट हो गया है, उत्तर प्रदेश की तरफ से पहला रेड 10 नंबर में। बिल्कुल शानदार मुकाबला होने वाला है। दिल्ली की टीम उतनी ही बढ़िया टीम है जितना बढ़िया उत्तर प्रदेश का टीम है। ये एमटी रेड लगा के गए हैं, पहला रेड था। कोचेस मैनेजर शुरुआत के लिए अब दिल्ली की तरफ से 5 नंबर में चले हैं रेडर। छोटे हाइट के रेडर बिल्कुल है लेकिन फुर्तीले होंगे, अनुमान लगाया जा रहा है। राइट कॉर्नर को इस बार शिकार बना है, खाता खुला दिल्ली का। शानदार यहाँ पे रनिंग हैंड टच, ऑल कंसर्न प्लेयर्स मैनेजर्स ऑफिशियल कोचेस प्लीज नो। चले हैं रेड पर उत्तर प्रदेश की तरफ से 5 नंबर में, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे थे। सुबह के 17 शानदार कटिंग और ये क्या कितने पॉइंट है। जी हाँ बिल्कुल सुपर रेड है, 3 पॉइंट तो है ही, क्या ये 4 पॉइंट होगा। 357 नंबर आउट है, सुपर रेड लगा दिए हैं। लाजवाब प्रदर्शन, आप चले हैं रेड पर दिल्ली की तरफ से 6 नंबर में। 430 मैच आरंभ होगा, आसानी से पॉइंट आया। मैनेजर 6 नंबर में ने 8 नंबर को बाहर किए हैं और 8 नंबर जो उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हैं वो ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, रेडर और डिफेंडर दोनों हैं। अब चले हैं 5 नंबर में उत्तर प्रदेश की तरफ से फिर से लेफ्ट से रेड लगाने के लिए और रनिंग हैंड टच लगा है लेफ्ट कॉर्नर को। जब बिल्कुल शानदार रनिंग हैंड टच और उत्तर प्रदेश के जो कोच हैं जेडी एकेडमी के कोच हैं, बहुत ही बेहतरीन कोच हैं, बहुत ही अनुभवी कोच हैं। चले हैं दिल्ली की तरफ से रेडर 6 नंबर में फिर से लेफ्ट से रेड लगाने उत्तर प्रदेश के कोर्ट में और ये क्या मल्टीपल रेड पॉइंट लेके आए हैं। बिल्कुल 5 नंबर के रेडर फिर से आए हैं, लगातार रेड कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए, पॉइंट लेके जा रहे हैं लगातार। इस बार टैकल कर लिए गए, बिल्कुल शानदार टैकल। चले रेड पर फिर से 5 नंबर में, 4 का इधर डिफेंस है कायम उत्तर प्रदेश के कोर्ट में। उत्तर प्रदेश और दिल्ली पड़ोसी हैं बिल्कुल। डुबकी शानदार था, उतना में सपोर्ट आया टीम का, शानदार टैकल यहां पे देखने को मिला। हालांकि ये डुबकी लगता तो बहुत ही बेहतरीन डुबकी माना जाता इस टूर्नामेंट का अभी तक का। चले रेड पर फिर से 5 नंबर में उत्तर प्रदेश का रेडर, इधर 6 का डिफेंस है, बोनस ऑन है 5 नंबर के लिए। बहुत ही बेहतरीन थाई होल्ड, गजब का टैकल यहां पे देखने को मिलेगा अभी। पहला हाफ का पहला टाइम आउट दिल्ली की तरफ से लिए हैं। कोच साहब क्या आमंत्रित देते हैं अपनी टीम को, चलिए दिखाते हैं। दिल्ली के कोच साहब अपनी टीम को कोचिंग दे रहे हैं। चले हैं फिर से रेड पर दिल्ली के रेडर 6 नंबर में, 4 का भी डिफेंस कायम है उत्तर प्रदेश के कोर्ट में। रेड पर उत्तर प्रदेश के रेडर पहला रेड है इस मैच का इनका और दिल्ली के कोच साहब कह रहे थे कि सोच बूझ के साथ खेलो, सोच समझ के खेलो, संयम बरत के खेलो। बिल्कुल कहना उनका सही है और यहाँ पे बहुत ही तगड़ा एंकल होल्ड इस बार
तीन नंबर के खिलाड़ी क्या गजब का एंकल होल्ड लिए हैं उतना का। फिर से चले हैं पांच नंबर में, सुपर टैकल ऑन है इस बार, जब सुपर टैकल होगा तो दिल्ली को दो पॉइंट मिलेगा। बिल्कुल छोटी हाइट का रेडर है, बहुत फुर्तीले रेडर है, अभी स्किल को छुपा रहे हैं। बता दें स्कोर कितना है पता ना किया ना। फिर से चले हैं पांच नंबर पर रेडर, अभी भी तीन का डिफेंस कायम है उत्तर प्रदेश के कोर्ट में। बहुत ही बेहतरीन मुकाबला होगा, शानदार कटिंग, क्या गजब का कटिंग किए हैं जी हाँ, बिल्कुल चार नंबर को बाहर किए हैं। बहुत ही बेहतरीन अंकल होल्ड, अभी अभी कोच साहब कहें कि संयम बरत के खेलो, बोनस लेगा तभी मारो। जी हाँ बिल्कुल, और यहाँ पे बोनस लेने गए थे तभी शिकार बना लिए गए, अकेला खिलाड़ी बच गए हैं उत्तर प्रदेश के कोर्ट में। इसी के साथ आलोट होते हुए उत्तर प्रदेश के कोच है, जेडी एकेडमी के कोच हैं, अपने टीम को कोचिंग दे रहे हैं कैसे संभल के खेलना है और कैसे इस मैच को निकालना है, क्योंकि ऑल आउट खा गई है टीम यहाँ पर। बिल्कुल इनका कहना सही है। चलिए पांच नंबर में फिर से रेड लगाने के लिए उत्तर प्रदेश की तरफ से, बहुत फुर्ती रेडर है। कल के मैच में, साई के मैच में बहुत ही बेहतरीन पॉइंट निकाल रहे थे, स्कोर कर रहे थे अपने उत्तर प्रदेश के लिए, आज भी वही चाहता है इनसे। चले फिर से छह नंबर में दिल्ली के रेडर, जी हाँ दिल्ली है दिल वालों की, और यहाँ टच मांग रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी कह रहे कि झूठ ना बोला कर। जी बिल्कुल, सच्चाई से ईमानदारी से खेला हुआ गेम बिखरता है। चले उत्तर प्रदेश के रेडर दस नंबर में, दूसरा रेड है आज का मैच का। जी हाँ बिल्कुल, कैच कर लिए गए इस बार, कवर था इस पे गए, बिल्कुल लेफ्ट और राइट कॉर्नर आए सपोर्ट में, बिल्कुल ऐसा दबोचा गया है जैसे लग रहा है कि मेमना को शिकार किया जा रहा है। ग्रीन कार्ड दिया गया है दिल्ली के खिलाड़ियों को, दिल्ली की तरफ से। फिर से चले छह नंबर में रेडर, रनिंग हैंड टच का दावा हो रहा है लेफ्ट कॉर्नर पे इस बार, बेहतरीन शिकार, छह नंबर ने 11 नंबर को बाहर किया है, इससे अच्छा कोई बात नहीं हो सकती। और थोड़ा सा धूप ज्यादा हो गया है, मौसम का हाल में हो रहे हैं उत्तर प्रदेश बिहार, अभी पीछे भी चढ़ रही है टीम। टच का दावा हो रहा, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट मौके पर मारे हैं चौके। स्कोर यहाँ पे थोड़ा सा सुविधा है स्कोर बोर्ड का, सीनियर नेशनल में हम गए थे तो वहाँ पे स्कोर बोर्ड था, इसीलिए स्कोर बता दे रहे थे, आपको क्षमा चाहता हूँ स्कोर बता नहीं पा रहा हूँ। टच का दावा लगातार हो रहा है यहाँ पर लेफ्ट कवर पे, कसमें और रस्में अपने घर में करें। यहाँ पर गेम खेलिए और जीत के जाइए, मेडल लगा के जाइए, सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप बॉयज चंपारण डिस्ट्रिक्ट कबड्डी एसोसिएशन, बिहार स्टेट कबड्डी एसोसिएशन सपोर्ट दो। बहुत ही तगड़ा यहाँ पे हाई होल्ड, गजब का टैकल। अब चले हैं दिल्ली की तरफ से पांच नंबर में, फिर से वही रेडर, छोटी हाइट का रेडर है, इधर पांच का डिफेंस है, बोनस ऑफ है, हमारे सहयोगी रंजन है लगातार लगे हुए हैं। खतरनाक
किक लगाने का प्रयास हुआ था और यहाँ पे पर्स्यूट किया है कौन ऑलराउंडर खिलाड़ी आके, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी, और इधर से भी पर्स्यूट लगा है। जी हाँ, मान्य नहीं होगा क्योंकि आपका खिलाड़ी बाहर नहीं गया कोर्ट के। डुआ डायरेक्ट आ गया है 6 नंबर के लिए इस बार, लगातार दो दो तीन तीन रेड किए हैं, स्कोर नहीं आया इस बार 6 नंबर के लिए, खतरा। और यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर ने एंकल उठा के फेंक दिया बिल्कुल। अभी भी 5 का डिफेंस कायम दिल्ली के कोर्ट में, दिल्ली एक बार भी ऑल आउट नहीं हुई है, बता दे रंजन। और ये क्या, एक इतनी जल्दीबाजी करना अच्छी बात नहीं होगी, क्या पता ये मैच आपको हानि पहुंचा दे हाफ टाइम के बाद। स्कोर पता करके टाइम आउट लिया गया है दिल्ली की तरफ से। कितना स्कोर? दिल्ली अभी अभी 1 पॉइंट लेके आई है स्कोर, क्या दिल्ली देखते ना आया था 16 दिल्ली 10 उत्तर प्रदेश। जी हाँ, 6 पॉइंट के बढ़त पे अभी भी, हालांकि 6 पॉइंट बढ़त कोई ज्यादा बढ़त नहीं है, कभी भी इसे काटा जा सकता है कबड्डी। और है बस शानदार जंप, जबरदस्त बिल्कुल। अब बता दे कि 5 पॉइंट का ही बढ़त है दिल्ली के पास, और इसे बरकरार रखना पड़ेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश इतने अच्छी टीम है, सूझबूझ के साथ खेल रही थी कल साई के साथ, साई बहुत ही बढ़िया टीम है, स्पोर्ट्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो टच का प्रयास, क्या तो टच दिया गया है, ऑफिशियल टाइम आउट लिया गया है। सस्मिता है प्रो कबड्डी के रेफरी हैं, अनुमान लगाए हैं क्या ये टच है या नहीं, आप कमेंट करके बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में, और जिनका कमेंट सही गया उनको मिलेगा गिफ्ट। और अब चले हैं फिर से उत्तर प्रदेश की तरफ से वही रेडर, फिर से इनका लगातार 4th रेड है, अनसक्सेस गए हैं और ये भी अनसक्सेस गए हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन खेल रही है, इनको दबोच लिया जा रहा है, हर एक बार आ रहे हैं रेड में दबोच लिया जा रहा है। 10 नंबर जर्सी में है, और 10 नंबर से हमको याद आता है रंजन नवीन एक्सप्रेस दबंग दिल्ली के ही थे, और यहाँ दिल्ली मचा रही है शोर, दिल्ली है दिल वालों की। यह बिल्कुल बहुत ही बढ़िया टीम है दोनों ही टीम, उत्तर प्रदेश भी है कम नहीं है। बिहार में आज हम लोग के लिए 2रा दिन है, बिल्कुल 2 दिन और टूर्नामेंट चलेंगे यहाँ पर। धूप बहुत जबरदस्त है दोस्तों, और मौसम का हाल बेहाल है, और यहाँ खिलाड़ी भी बेहाल है, बिल्कुल दोनों ही तरफ से। भाई वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्रदेश के रेड रहा है लेफ्ट से रेड लगाने के, बहुत ही बढ़िया रेड लेफ्ट कॉर्नर को शिकार बनाया है। बोल दो यार सब्सक्राइब क्या, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। भाई इतना धूप में वीडियो दिखा रहे हैं, इतना धूप में वीडियो दिखा रहे हैं भाई, सब्सक्राइब तो बनता है। 6 डिग्री पे धूप चला गया है भाई, क्या तू बक रहा है 35 डिग्री को। और ये क्या पर्स्यूट हुआ है इस बार, बहुत बढ़िया पॉइंट, पीठ दिखाइएगा तो बेंच पे पाइएगा, बिल्कुल शानदार यहाँ पे रेड। डुआ डायरेक्ट आ गया दिल्ली के लिए, खतरा मंडराया है, बोनस ऑन है हालांकि। छोटे आठ का रेडर रनिंग, और इस बार क्या गजब का डैश है, फिर से है 5 नंबर में, सुपर टैकल ऑन है, 3 का डिफेंस है दिल्ली के कोर्ट में। कल के मैच में बहुत ही बेहतरीन रेडर साबित हुए हैं, और ये क्या सुपर टैकल होगा, बिल्कुल हमें लगता है कि सुपर टैकल होगा, सुपर टैकल कर लिए गए हैं इस बार।
चार का डिफेंस हो गया है दिल्ली के कोर्ट में। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे डैश, शानदार टैकल, हाफ टाइम हो गया है। हाफ टाइम के बाद मैच स्टार्ट हो गया है। पहला रेड दिल्ली की तरफ से आए हैं। चलो उत्तर प्रदेश की तरफ से फिर से आठ नंबर में बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर खिलाड़ी है, रेडर है, डिफेंडर है, ऐसा ही उड़िएगा। बहुत बढ़िया इस बार टैकल लेफ्ट कॉर्नर से आया, डबल था इस पे गए, बिल्कुल लॉक कर दिए। चले है रेट पर छह नंबर में। चार का भी डिफेंस कायम है उत्तर प्रदेश के कोर्ट में। बहुत ही बढ़िया डिफेंस चलाती है उत्तर प्रदेश की सीनियर टीम, क्या गजब का डिफेंस चलाती है। उत्तर प्रदेश का डिफेंस माना जाता है सीनियर नेशनल में, और अकेला राहुल चौधरी ही काफी है पोस्टर मैन। चला है दिल्ली की तरफ से डू वाड आया है। अभी तक का स्कोर है 23-14 फेवर ऑफ दिल्ली। 23-14 का स्कोर है, काफी बढ़त नहीं है क्योंकि इसको काटा जा सकता है। अभी हाफ टाइम बाकी है, रंजन काटा जा सकता है लेकिन अभी तो जी हाँ बिल्कुल डबल था इस पे गए, लॉक कर दिए। 11 नंबर के खिलाड़ी, गजब का डिफेंस, कहर बहस आ रहे हैं इतने धूप में भी, कड़े धूप में खेलना भाई वीडियो बच्चों के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, थोड़ा सा सेहत का अभी भी पर भी असर पड़ सकता है। आज कंप्लीट में दिल्ली के क्या लगता है नोहित भाई, जीत जाए कौन सी टीम जीतेगी? अच्छा बिल्कुल अनुमान लगाया जा रहा है कि दिल्ली की टीम अभी भी हावी है उत्तर प्रदेश पर, लेकिन क्या पता हाफ टाइम के बाद उत्तर प्रदेश हावी हो जाए दिल्ली पर, कोई कहा नहीं जा सकता है। कबड्डी का मैच है, बच्चों का खेल नहीं। टाइम आउट लिया गया उत्तर प्रदेश के कोच साहब, टाइम आउट लिए हैं। काफी सुंदर मैच नवनीत अब तक का ये, और यूपी और दिल्ली दोनों ही पास की टीमें हैं, पड़ोसी टीम है, और भिड़ंत हो रहा है बहुत ही जबरदस्त भिड़ंत हो रहा है। अंकित बता दे हमारे साथ अंकित जुड़ गए हैं बिल्कुल, रंजन भी जुड़ गए हैं। आप सबों का इस यूट्यूब चैनल में, नवी बिहार के यूट्यूब चैनल से आप देख रहे हैं इस मैच को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, नया है सब्सक्राइब करें, पुराना है शेयर करें बिल्कुल। और ये खिलाड़ी बढ़िया फुटवर्क का, और थर्ड रेड है दिल्ली की तरफ से छह नंबर में डुआ डाई, यानी आपको इसमें स्कोर करना होगा, कब हार लेके आए हैं जाते हैं तो सोतो आउट होंगे। बिल्कुल बोनस ऑन है, बोनस भी कर सकते हैं अंकित, बिल्कुल छह के छह खिलाड़ी कोर्ट में है, बोनस ऑन रहेगा। और यहाँ पर डुआ डाई रेड में सफल है बिल्कुल, और थर्ड रेड में आप पॉइंट लेकर जाते हैं तो देखो आप एक अच्छे अनुभवी खिलाड़ी हैं। जी बिल्कुल अनुभव है, इसीलिए वो उन्हें भेजा गया टीम में रेड करने के लिए, और भी रेडर थे लेकिन उन्हें भी भेजा गया क्योंकि उनके पास अनुभव है। स्मार दबोचने का कोशिश है और कामयाब रहे, दिल्ली गरज रही है। क्या कैच देखने को मिला नवनीत, जी बिल्कुल शानदार कैच लगा दिया, डिफेंस एक्स्ट्रा टैकल किए वो भी सफल रहे, से लग भी कहा जा सकता है। और चार का डिफेंस कबड्डी में सबसे हार्ड माना जाता है, क्या जी बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश वही खिलाड़ी जो थर्ड रेड में आए थे, उत्तर प्रदेश के सीनियर टीम डिफेंस पे ही माना जाता है, उत्तर प्रदेश से अक्सर सीनियर नेशनल में डिफेंस पे ही खेलती है। दस नंबर के रेडर गए हैं इस बार, बोनस का प्रयास और बोनस लेने में सफल रहे, बिल्कुल सफलतापूर्वक बोनस, आज इनका खाता खुल गया है इस मैच में, बिल्कुल इस मैच में
बोनस पॉइंट लेकर ले गए, चार चार पांच पांच टैकल आज इनको किया गया है। और ये खिलाड़ी छोटी हाइट का लेकिन शांत रखा गया है, 10 नंबर के खिलाड़ी को अंकित बता दे कि शांत रखा गया है। और अब चल है छोटे हाइट का रेडर 5 नंबर में लगातार रेड करते हैं अपने दिल्ली के लिए, अपने राज्य के लिए। 33 सब जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप बॉयज पावर्ड बाय बिहार स्टेट कबड्डी एसोसिएशन। और ये क्या पॉजिटिव देखने को मिला हमने, यहाँ बिल्कुल हैंड लॉक कर दिए, बिल्कुल हैंड टेकल अक्सर कम ही देखने को मिलता है। पवन सहरावत किए थे सिद्धार्थ देसाई को प्रो कबड्डी में, याद कीजिए अंकित। बिल्कुल, पवन सहरावत एक ऐसे खिलाड़ी है जो हर स्किल्स दिखाते हैं, अपने डिफेंस में हो, थ्रेडिंग में हो। यहाँ बिल्कुल पवन सहरावत को याद दिला दिए। और पवन सहरावत 19 तारीख को आ रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल आ रहे हैं छोटे बच्चे को छोटे प्रोत्साहित करने किस कबड्डी के सब जूनियर नेशनल प्रतियोगिता में। आज का दूसरा दिन और मैच आप देख रहे हैं इस यूट्यूब चैनल के हमारे बहुत ही बेहतरीन गेस्ट रहे दीपक निवास हुड्डा जैसे खिलाड़ी, संदीप पटना पायरेट्स के प्रो कबड्डी के खिलाड़ी, सागर की बात करें गोल्ड मेडलिस्ट इंडिया के खिलाड़ी, पटना पायरेट्स से प्रो कबड्डी भी खेले हैं सागर, ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं, राजीव सिंह जैसे एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट, बिल्कुल राजीव सिंह जैसे खिलाड़ी हमारे बिहार से जिन्होंने बिहार का नाम ऊंचा करने का काम किया है। सब बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन गेस्ट आए हैं और भी आने हैं गेस्ट, अभी गेस्ट तो अभी सुपर स्टार आने वाला है, पवन सहरावत आएंगे 19 तारीख को। और ये खिलाड़ी क्या 10 नंबर जर्सी, इसको बिल्कुल खामोश रखा गया है, बहुत ही बढ़िया डिफेंस यहाँ पे चला है लेफ्ट कॉर्नर से, क्या गजब का टैकल, शानदार प्रदर्शन दिल्ली का। सस्मिता खिलाड़ी है प्रो कबड्डी के रेफरी है, सुपर टैकलॉन है यूपी के लिए, सुपर टैकलॉन है 3 का डिफेंस इधर कायम उत्तर प्रदेश के कोर्ट में। और इस आज का ये दोपहर तक का लास्ट मैच है यूपी पर से, उसके बाद 4:30 में हम लोग मिलते हैं, फिर 4:30 में आपसे मुलाकात होगी कबड्डी की इस दुनिया में, कबड्डी का इस प्रतियोगिता में बिहार की धरती पे। बिल्कुल है, आइए आइए, सुपर टैकल अभी भी कायम है, इस बार शिकार कर लिया, राइट कॉर्नर का शिकार बनाया है, बहुत ही अच्छा शिकार। टाइम आउट लिया जा रहा है दिल्ली की तरफ से, सेकंड हाफ सेकंड टाइम आउट, टाइम आउट के बाद मैच स्टार्ट हो गया उत्तर प्रदेश की तरफ से, रेडर गए हैं 2 नंबर में, टच का दावा कर रहे हैं इस बार, अभी भी सुपर टैकल कायम है। अगला बार 5 नंबर के रेडर सफल होकर गए थे, पॉइंट लेके गए थे, राइट कॉर्नर के शिकार बनाए थे, क्या इस बार भी शिकार बनाएंगे, बिल्कुल शिकार बना लिए, लाजवाब प्रदर्शन। हम उनके बारे में बोल रहे थे हाफ टाइम के पहले कि अभी गेम को छुपा रहे हैं, जी बिल्कुल सही समय पे निकाले हैं रंजन, सही समय पे इस्तेमाल किया हुआ हथियार काफी खतरनाक होता है। और यहाँ पे डिफेंस भी काम कर रही है और रेडर भी दोनों ही चलने लगे हैं दिल्ली की तरफ से, काफी पीछे छोड़ दिए हैं उत्तर प्रदेश को, बिल्कुल एक दिल्ली राजधानी भी है। टाइम आउट लिया गया उत्तर प्रदेश की तरफ से, खिलाड़ियों को चेंज किया जा रहा है दिल्ली की तरफ से, 6 नंबर में आए रेडर फिर से। इसको हिंदी समझ में आ रहा है तो कर्नाटक में तो कहाँ समझा रहा है। एमटी रेड लगा के गए हैं दिल्ली की तरफ से क्योंकि लीड है उनके पास, टाइम को काटेंगे, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया रणनीति होता है कबड्डी में कि लीड बना लीजिए उसके बाद टाइम को धीरे धीरे करके किल कीजिए और मैच को आसानी से जीतिए। यहाँ पर दिल्ली टीम टाइम काट रही है, उत्तर प्रदेश भी टाइम काट रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट लाना चाहिए उत्तर प्रदेश को क्योंकि वो पिछड़ रहे हैं ना कि दिल्ली पिछड़ रहे हैं रंजन।
चले हैं 10 नंबर में रेड पर। अंतिम 5 मिनट समय से इस खेल का गजब का मुकाबला हो रहा है। अभी भी 7 का डिफेंस कायम है, बोनस ऑन है और प्रयास हुआ और सफल रहे। जी हाँ बिल्कुल शानदार बोनस। डुआ डायरेड आ गया दिल्ली के लिए इस बार। बहुत ही बढ़िया डिफेंस उत्तर प्रदेश का है पर शानदार टैकल। ऐसे रखेगा हिल आइए।